नमस्कार साथियों, आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा आयोजित एक परिचर्चा में शामिल हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं। आज की परिचर्चा हमारा विषय संख्या 508 यानी कि प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। और इस विषय में भी मुख्य विषय है आज का हमारा कि कार्य शिक्षा के अंतर्गत जिन जिन गतिविधियों का हम चयन करते हैं उनका क्या मानदंड हो और क्या आधार हो, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। यह विषय क्यों ज़रूरी है? एक अध्यापक होने के नाते आपको अपने विद्यालय में तरह तरह की कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों का चयन करना होता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी गतिविधि को करवा दें, कोई ना कोई तो आधार होगा ना गतिविधि को करवाने का। ऐसा तो नहीं कि आपके मन में आया कि चलो आज मैं पतंग बनवाती हूँ तो बनवा लें, ऐसा नहीं। हर गतिविधि के आयोजन के पीछे कोई ना कोई आधार, कोई तर्क, कोई औचित्य होता है और उन्हीं औचित्यों के आधार पर हम गतिविधि का चयन करते हैं। तो यही आज का हमारा मुख्य विषय है कि एक अध्यापक होने के नाते जब आप विद्यालय में कार्य शिक्षा विषय के अंतर्गत तरह तरह की गतिविधियों का चयन करते हैं तो चयन का क्या आधार होता है और चयन के क्या मापदंड होते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अपने विषय के अंतर्गत जब भी आप गतिविधियों का चयन करते हैं आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में अवश्य रखते होंगे, क्योंकि आपकी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों के अनुभव तरह तरह के हैं। आपके विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताएं, रुझान एक समान नहीं है। आपके विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न है। आपके अनुभवों व कौशल आधारित ज्ञान की अपनी एक सीमा है। आपके परिवेश में उपलब्ध संसाधनों की भी सीमा होगी। बहुत से ऐसे अन्य बिंदु हैं जिनके आधार पर अपने विद्यालय के लिए तरह तरह के कार्यकलापों की योजना हम बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होगा जब हम कार्य शिक्षा के लिए गतिविधियों का चयन करें। तो सबसे पहला आधार है कार्य शिक्षा के उद्देश्य। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि करवाए जाने वाले कार्यकलाप में कार्य शिक्षा के निहित उद्देश्य निहित हों। कार्य शिक्षा का प्रत्येक कार्यकलाप सोद्देश्य और अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हर कार्यकलाप से सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखती हूँ। उदाहरण के तौर पे आपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को एक गतिविधि में संलग्न किया कि गेंदे के फूलों की माला पिरोई जाए। अब इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के जो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास है वह हो सके और वो समूह भावना का विकास कर सके और साथ ही जो मौसमी फूल हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये कार्य शिक्षा के भीतर निहित उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों के रहते हमने इस गतिविधि का चुनाव किया है। यहाँ पर हम यह बात भी ध्यान रख रहे हैं कि इस एक गतिविधि से कार्य शिक्षा के हर उद्देश्य पूरे नहीं किए जा सकते और हमें इस भ्रम में रहना भी नहीं चाहिए। हमारा दूसरा जो मानदंड है वह है बच्चों की पृष्ठभूमि। कार्य शिक्षा के कार्यकलापों का चयन करते समय हमारे लिए उन बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश की जानकारी व समझ बहुत आवश्यक है जिन बच्चों से कार्यकलाप करवाए जाने हैं। यह बात भी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। देखिए, मैं कक्षा में यदि कहती हूँ कि आज हम अंडों के छिलकों से कुछ
कार्ड बनाने का काम करते हैं और हमने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि कल जब वे विद्यालय आएं तो अंडे के छिलके लेते आएं। अब मुझे बच्चों की पृष्ठभूमि को बहुत ध्यान में रखना है। मैं खुद से सवाल करूं, क्या हर बच्चे के घर में अंडा खाया जाता है? निश्चित रूप से नहीं। हर बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि फरक फरक है और जिस बच्चे के घर में अंडा नहीं खाया जा सकता वह छिलका क्यों कर लाएगा? उसके माता पिता तो उसको अंडे का छिलका छूने भी नहीं देंगे। तो यानी कि इस गतिविधि को हम ना करवाएं तो बेहतर है। हम इसका कोई और विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताएं। कार्यकलाप का चयन और बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास दोनों का आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक व मानसिक क्षमता के साथ साथ बच्चों की रुचि व आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं। बच्चे यदि बागवानी के कार्यकलापों में अधिक रुचि ले रहे हैं तो बागवानी से ही जुड़ी ऐसी गतिविधियां लें जिनका उद्देश्य बहु हो, यानी कि एक गतिविधि तरह तरह के उद्देश्य पूरी करती हो। आप विद्यार्थी मुझसे सवाल कर सकते हैं कि यदि हम बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखने लगे तो क्या हम कितनी गतिविधियां हम कक्षा में करें, क्योंकि 40 विद्यार्थी हैं तो 40 बच्चों की रुचि यदि अलग अलग होने लग गई तो क्या मैं 40 गतिविधियां करवाऊं? 40 गतिविधियां करवाने के लिए तो टाइम टेबल में टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि 40 बच्चों की रुचियां फरक फरक हो सकती हैं, पर ऐसी भी हो सकती हैं कि कुछ रुचियों का एक समुच्चय आप बना सकते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे की रुचि कला की है तो कला में ही तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं जो किसी और बच्चे की रुचि को भी पूरा करती हों। तो हम रुचियों का एक समुच्चय बना लेंगे और उस हिसाब से हम अपने विद्यालय में गतिविधियों को आयोजित करेंगे, बच्चों की रुचियां भी पूरी हो जाएंगी और हमारा अपना उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अगला मानदंड है समय व स्थान की उपलब्धता। हर प्रकार के कार्यकलाप के लिए एक निश्चित समय व निश्चित उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। समय की जरूरत को हम दो कोणों से देखते हैं। पहला, किसी कार्यकलाप को करने के लिए कितना समय चाहिए और दूसरा, कौन सा कार्यकलाप कब करवाया जाए। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बात बताती हूँ। दोनों ही बिंदुओं को आप सरलतापूर्वक देख सकते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर आप निश्चित रूपेण यह तय कर पाएंगे कि अमुक गतिविधि को कितना समय चाहिए। यहाँ गतिविधि की प्रकृति के साथ साथ काम करने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय परिसर के गमलों पर गेरू रंगने की गतिविधि के लिए आपने यदि 1 घंटा निश्चित किया है तो यह अवश्य सोचा होगा कि हमारे पास कितने गमले हैं, कितने विद्यार्थी हैं और गमला रंगने की सामग्री जैसे कूची, गेरू, ये सब कितनी है और गेरू घोलने की तैयारी भी इसी 1 घंटे की अवधि में सम्मिलित है या उसके लिए अलग से समय निश्चित किया गया है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी 1-1 गमले पर रंग करेगी या यह एक सामूहिक कार्यकलाप होगा। इन सब बिंदुओं के आधार पर गतिविधि की समय अवधि के चयन हेतु महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यह उदाहरण आपको अपने आप में संकेत देता है कि गतिविधि का चयन करने से पहले आप निश्चित रूप से यह देखेंगे कि कौन सी गतिविधि कितना समय लेगी और उस गतिविधि को क्या सामूहिक आधार पर किया जाएगा या व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा और गतिविधि से संबंधित जो तैयारी है वो तैयारी क्या गतिविधि का हिस्सा होगी या तैयारी का समय हमें अलग से लिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, हम स्वयं से सवाल करें, क्या चुना गया स्थल बच्चों को शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है? यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। देखिए, यदि किसी स्थान पर बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो हम वो स्थान अपनी गतिविधि के लिए नहीं चुनेंगे, क्योंकि विद्यार्थी की सुरक्षा हमारा पहला उत्तरदायित्व है। दूसरा, स्वयं सवाल करें, वैयक्तिक व सामूहिक कार्यकलापों के लिए बच्चों को बैठाने, चलने फिरने आदि की सुविधा है या नहीं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपने चुना कि हर विद्यार्थी अपनी अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठेगा, बैठेगी और उस पर काम करेंगे। यह तो आपने तय कर लिया, पर आपने यह तय नहीं किया कि आपके पास प्रधानाचार्य ने जो आपको कमरा दिया है उसमें इतना स्थान, इतनी सुविधा है या नहीं है। तो यह हमें पहले से तय करना पड़ेगा कि वैयक्तिक व सामूहिक कार्यकलापों के लिए बच्चों को बैठाने, चलने फिरने आदि की सुविधा होनी चाहिए। अगला सवाल करें हम स्वयं से, बच्चों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री को सुविधा पूर्वक रखा जा सकता है या नहीं। आप इसको भी उदाहरण द्वारा समझिए। आप जब कार्यकलाप कराते हैं तो तरह तरह की सामग्री विद्यार्थियों से मंगवाते हैं। कुछ सामग्री हम विद्यालय की तरफ से देते हैं, कुछ सामग्री विद्यार्थी स्वतः लाते हैं। अब वह सामग्री रखने के लिए मेरे पास पर्याप्त विद्यालय में स्थान है या नहीं है, यह भी मुझे खुद से पहले सवाल करना पड़ेगा। और यदि इसका उत्तर हाँ में है तभी हम वह सामग्री मंगाएंगे, और यह कार्य शिक्षा की गतिविधि के चयन का एक और महत्वपूर्ण आधार बनता है। अगला बिंदु है, कार्यकलाप के दौरान आपके द्वारा चल फिरकर मॉनिटरिंग की जा सकती है या नहीं, और आप कार्य का प्रदर्शन करते समय सभी बच्चे सरलता पूर्वक देख पा रहे हैं या नहीं। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारा आधार हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण आधार है? विद्यार्थी कक्षा में दरी पर बैठकर तरह तरह का काम कर रहे हैं। मान लिया वो मास्क बना रहे हैं। अब आपका उद्देश्य यह भी है कि आप उनके आकलन करें, उनका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन में यहाँ पर एक अकेले कुर्सी पर बैठकर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर विद्यार्थी किस किस तरह से मास्क बना रहा है वह प्रक्रिया भी देखनी है। तो उसके लिए मुझे बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा। तो स्थल का चुनाव मुझे ऐसा करना चाहिए कि अध्यापक बच्चों को काम करता हुआ आसानी से देख सके, उनके बीच में जा सके, काम की प्रक्रिया का अवलोकन कर सके, और जब आप किसी काम का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सभी बच्चे उसका सरलता पूर्वक अवलोकन भी कर सके। ये एक और हमारा महत्वपूर्ण मानदंड बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण मानदंड है संसाधनों की उपलब्धता। अध्यापक की इच्छा है कि वह अपने विद्यार्थियों को सीपीओ की सहायता से कुछ कार्य करवाए, क्योंकि उसकी शिक्षिका ने भी सीपीओ का कार्य करवाकर उसके अंदर की रचनात्मक शक्ति व सौंदर्य अनुभूति का विकास किया था। इसी सोच के रहते अध्यापिका विद्यार्थियों को तरह तरह की आकृति व आकार वाली सीपियां लाने के लिए कहती है। आप अगले दिन के दृश्य का अनुमान कर सकते हैं। जी हाँ, 40 बच्चों की संख्या में से मात्र 3 विद्यार्थी सीपियां लाए, और वह भी बहुत कम। अब अध्यापिका निराश है। वह 2 दिन का समय देती है, पर 2 दिन बाद भी स्थिति वही रहती है। उसके अनुसार बच्चे इतनी सुंदर गतिविधि क्यों नहीं करना चाहते हैं, या अभिभावक
बच्चों को सीपियां जुटाने के लिए क्यों नहीं सहयोग दे रहे, आप अगले दिन के दृश्य का अनुमान कर सकते हैं। जी हाँ, 40 बच्चों की संख्या में से मात्र 3 विद्यार्थी सीपियां लाए हैं, और वह भी बहुत कम। अब शिक्षिका निराश है। वह विद्यार्थियों को पुनः 2 दिन का समय देती है और कहती है कि चलो अच्छा, आज आप सीपियां नहीं ला पाए तो 2 दिन का समय देती हूँ, 2 दिन बाद ले आना। पर 2 दिन बाद भी वही स्थिति है। अध्यापिका स्वयं से प्रश्न करती है कि मैंने इतनी सुंदर गतिविधि का आयोजन करना चाहा, पर ये विद्यार्थी तो सामान ही नहीं ला रहे। क्या बच्चे इतनी सुंदर गतिविधि को नहीं करना चाहते? अध्यापिका खुद से प्रश्न करती है, क्या अभिभावक सामग्री जुटाने में इनकी मदद क्यों नहीं करते? असल में बच्चे भी इतनी सुंदर गतिविधि को करना चाहते हैं और अभिभावक भी सामग्री जुटाने में मदद करना चाहते हैं, पर समस्या कहीं और है। समस्या है संसाधनों की उपलब्धता में। यहाँ पर गलती है अध्यापिका के चयन की। सीपियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ जिस इलाके में समुद्र है, नदी है, वहाँ पर सीपियाँ बहुत अधिक मिलेंगी। तो यदि कोई तमिलनाडु यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर समुद्री इलाका है और सीपियाँ बहुतायत में सहज भाव से मिल जाती हैं, तो वहाँ तो इस गतिविधि के चयन का औचित्य बनता है। पर एक ऐसा शहर जहाँ पर बच्चों को आसानी से सीपियाँ नहीं मिलती, वहाँ हम जरूरी नहीं कि इस गतिविधि का चयन करें, वहाँ हम कुछ और सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बिंदु यह भी कहना चाहूँगी कि जब हम गतिविधि का चयन करें तो निश्चित रूप से यह देखें कि पर्याप्त रूप से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं है। और संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जहाँ विद्यालय है यानी कि जहाँ के विद्यार्थी हैं, वहाँ का भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश कैसा है। मैं यहाँ पर एक बात आपको सामाजिक परिवेश से जोड़कर कहती हूँ। मान लिया विद्यार्थी कहती है कि हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं बाल सभा में, और सभी विद्यार्थियों को कहती है कि कल आप एक भोजपुरी लोकगीत याद करके आइए जिसकी प्रस्तुति हम बाल सभा में करेंगे। अब 40 बच्चों की कक्षा है और उन 40 बच्चों में से मात्र 5 या 6 ही लोकगीत याद करके लाए, और अध्यापिका निराश है। कहती है कि इतनी सुंदर गतिविधि मैं करना चाहती हूँ और बच्चे उत्साह से भाग ही नहीं ले रहे। बताइए आप, क्या बच्चों के उत्साह में कमी है? नहीं ना, बच्चों के उत्साह में कमी नहीं है। कमी यहाँ पर जो मैंने गतिविधि का चयन किया है उसमें है। क्या गतिविधि का चयन किया? मैंने कहा भोजपुरी लोकगीत याद करके आइए। क्या हर विद्यार्थी के अभिभावक भोजपुरी जानते हैं? नहीं, संभव नहीं। तो हमारी गतिविधि क्या होनी चाहिए थी? हम ये कह सकते थे बच्चों से कि विद्यार्थियों, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन या घर में रहने वाले और जो बड़े लोग हैं, तरह तरह के लोकगीत गाते होंगे। तो जो लोकगीत आपके घर में इच्छा से गाया जाता है, चाव से गाया जाता है, वो लोकगीत याद करके आए। यदि ये गतिविधि का मैं चयन करूं, तो आप देखिए 40 के 40 बच्चे कोई ना कोई लोकगीत याद करके लाएंगे और बाल सभा का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो यह था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, जिसका मुझे ध्यान रखना है जब बच्चों के लिए हम गतिविधियों का चयन करें। एक महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान रखे बगैर तो हम गतिविधि का चयन कर ही नहीं सकते। हमारी कक्षा में तरह तरह के विद्यार्थी हैं। तरह तरह से यहाँ पर मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, रुचियाँ तो भिन्न हैं ही, शारीरिक क्षमता भी उनकी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे हमारी कक्षा में कोई चुनौतीपूर्ण
यानी कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, यानी कि जिसको हम वर्तमान समय में दिव्यांग शब्द हमने दिया है उसके लिए, ऐसा विद्यार्थी भी हो सकता है। कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि जो देख नहीं सकता, यानी कि दृष्टिबाधित है। और आप गतिविधि का चयन करते हैं कि विद्यार्थियों आपके घर के आसपास जितनी वनस्पति है उसका अवलोकन करिए, उनके नाम जानिए और उसको अपनी पुस्तक में लिख, अपनी कॉपी में लिखकर लाइए। यहाँ पर आप बहुत बड़ी चूक कर गए। देखिए, गतिविधि तो बहुत सुंदर है क्योंकि आसपास की वनस्पति का अवलोकन करना एक बहुत ही बढ़िया गतिविधि है, जब हम इससे हम बच्चों को प्रकृति के करीब लाते हैं और बच्चों को हम ये महत्व सिखाते हैं कि प्रकृति से हमारा क्या संबंध है और किस प्रकार से मानव का जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर है। पर हम ये भूल गए कि कहते वक्त हमने बच्चों को कहा अवलोकन करिए, उनके नाम जानिए और लिखकर लाइए। अब जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए हमें क्या कहना होगा? हम ये नहीं कह सकते कि हम ये गतिविधि कभी हम करवाएंगे ही नहीं इस कक्षा में, क्योंकि गतिविधि दृष्टिबाधित बच्चा है। गतिविधि करवाएंगे, बल पर हमारे कहने का ढंग, उद्घोषणा का ढंग फर्क होगा। बाकी बच्चों को तो हम कहेंगे अवलोकन करिए, वनस्पति के नाम जानिए, उनकी सराहना करिए और उनके नाम लिखकर आइए। पर जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है हम उसके लिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे या तो अपनी ही कक्षा में किसी विद्यार्थी का उत्तरदायित्व देंगे कि आप अमुक विद्यार्थी दोनों मिलकर ये गतिविधि करोगे और दोनों ही एक साथ अवलोकन करोगे और आप अमुक विद्यार्थी की अवलोकन करने में मदद करोगे, उसे पौधे को छुआओगे, महसूस कराओगे और उसका नाम उसको बताओगे। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो देखिए किसी भी प्रकार से मेरी गतिविधि गलत नहीं होगी, मेरे चयन का आधार एकदम दुरुस्त है। इसी प्रकार से अब मेरे पास एक ऐसा विद्यार्थी है जो ऑर्थोपेडिकली चुनौतीपूर्ण है, यानी कि उसके पैर में कोई तकलीफ है, तो और हमने चढ़ना है कहीं ऊपर रॉकी एरिया में, चट्टानी इलाके में। हम जगह जगह की पहचान करना चाहते हैं कि फला जगह की मिट्टी ऐसी होती है, फला जगह की मिट्टी ऐसी होती है, तो यहाँ पर भी मेरा चयन गलत हो जाता है। आप फिर सवाल करें क्या हम इतनी सुंदर गतिविधि ना करवाएं? मैं फिर से आपको कहती हूँ गतिविधि करवाएंगे, पर गतिविधि करवाने से पहले मुझे पुनः यह देखना होगा कि जिस व्यक्ति को पोलियो है, जिस विद्यार्थी को पोलियो है और वह किसी की मदद लेकर ही ऊपर चढ़ सकता है, तो मैं पहले ये तैयारी करूँगी कि उस विद्यार्थी को किसी प्रकार की शारीरिक असुविधा ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण आधार, कई बार हम गतिविधि ऐसी कराते हैं जो विद्यार्थी और हमारे पक्ष से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पर संभवतः माता पिता के पक्ष से महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जिन दिनों लू चलती है या एक ऐसा मौसम आता है जब संक्रामक बीमारियाँ अधिक फैलती हैं, जैसे आप लीजिए वर्षा ऋतु, जुलाई के आसपास का, अगस्त के आसपास का मौसम, और वहाँ पर लू चलना शुरू हो जाती है और बच्चों को ज़रूरत होती है कि वो नींबू पानी पिएं या ORS घोल पिएं, तो ORS घोल बनाना हम एक गतिविधि का आयोजन करना चाहते हैं या शिकंजी बनाने का आयोजन करना चाहते हैं। माता पिता को लगता है अरे यह गतिविधि तो हम घर में ही आमतौर पर रोज़ाना करते रहते हैं, इससे पढ़ाई का क्या लेना देना, और माता पिता संभवतः अध्यापक के विरुद्ध जाना चाहते हैं कि ये अध्यापिका पढ़ाने लिखाने का काम तो करना नहीं चाहती, देखिए नींबू पानी ही बनवाई जा रही है, शिकंजी ही बनवाई जा रही है, शायद उसको खुद को पीने की इच्छा होती हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा कई विद्यालयों में हुआ, अपने अनुभवों से यह बात कह रही हूँ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि गतिविधि का आयोजन करने से पहले हम अभिभावकों के साथ संवाद कायम करें,
हम उन्हें बताएं कि ओआरएस घोल बनाना, शिकंजी बनाना, नींबू पानी बनाना हो सकता है कि आप विद्यालय में अपने घर में करते होंगे एक रूटीन के रूप में, पर जब यही काम हम विद्यालय में करते हैं तो हम विद्यालय में उसका तकनीकी पक्ष भी विद्यार्थी को समझाते हैं। तकनीकी पक्ष से क्या तात्पर्य है? मान लिया मुझे नींबू काटना है तो नींबू काटने की भी एक प्रक्रिया होगी। नींबू को कहाँ से पकड़ना चाहिए? जहाँ पर उसका छोटी सी थूथनी सी होती है। ऐसा करने के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है कि अगर जहाँ से थूथनी है नींबू की उससे हमने पकड़ा है नींबू को और बीच से हम काटते हैं तो रस अधिक निचोड़ा जा सकता है। तो ये जो वैज्ञानिक तर्क है उसके पीछे जानकारी है ये भी हम साथ साथ विद्यार्थी को कक्षा में बताएंगे। और यदि यह बात हमने अभिभावक को संप्रेषित कर दी तो अध्यापक कभी भी नाराज नहीं होगा। तो साथियों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने हमसे यह समझा कि किस प्रकार से गतिविधि का चयन करते समय हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे और हम महत्वपूर्ण प्रभावशील रूप से गतिविधियां अपने विद्यालय में आयोजित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रहे। धन्यवाद साथियों।